आइए हम देखते हैं कि अब यह द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं और कैसे पता करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक एग्जांपल इस तरीके से है, x plus 1 upon x is equal to 4, क्या यह द्विघात समीकरण है? क्या यह द्विघात समीकरण है? x plus 1 upon x is equal to 4 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं x, इसके बटे 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्राप्त होता है x square plus 1 is equal to 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्राप्त होता है x square plus 1 is equal to 4x, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद प्राप्त होता है x square minus 4x plus 1 is equal to 0। अब इसकी तुलना हम ax square द्विघात समीकरण से करते हैं, x square minus 4x plus 1 is equal to 0 की तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक सूत्र से करते हैं, ax square plus bx plus c is equal to 0 से, अर्थात देखने पे यह प्राप्त होता है कि यह द्विघात समीकरण है। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आपको यह प्राप्त करके बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, दो चार क्वेश्चन इस तरीके से। फर्स्ट नंबर, x x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3। सेकंड नंबर, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। थर्ड नंबर, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4x। ये हम प्राप्त दिखाना है क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर है तो उन्हें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर करके देखें।